दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत सीरियस है और कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है और हमें मजबूर करता है कि हम इसके बारे में सोचें और वर्क करें। अगर हमने जल्दी से कोई स्टेप नहीं लिया तो हम बहुत पीछड़ जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत घातक होगा और हमारे लिए बहुत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हमारे को नुकसान पहुँचाएगा। यह हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। मैं बात कर रहा हूँ विकास दुबे के 8 लोगों को नुकसान पहुँचाना, उनको शहीद कर देना। आज जो पुलिस का वर्किंग है वो बहुत कुछ मेल जोल खाता है अंग्रेजों के ज़माने से। अंग्रेजों के समय की पुलिस जैसा ही कल्चर अभी भी है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरह के ही ऑफिसेज हैं, उस तरह का ही उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम है। पहला पॉइंट है इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो पुलिस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या उनका जो आंतरिक सूचना इकट्ठा करने का जो तरीका है वो बहुत पुराना है और सटीक नहीं है। अपराधी उनसे बहुत आगे चलते हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी रहती है। इस केस में भी अपराधियों के पास पहले इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी और पुलिस वालों के पास बाद में पहुंची थी और पुलिस वालों के पास इनफैक्ट पहुंची ही नहीं। इसी कारण से 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 8 हमारे सैनिक इंटरनल सैनिक सिक्योरिटी जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ही हताहत हुए हैं या उनको शहीद कहा जा सकता है। आप अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन या ट्रेनिंग को देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है अंग्रेजों के समय का, बहुत थोड़ा सा ही अंतर उसमें हुआ है। हम लोग बाहर की सिक्योरिटी जो हमारी आर्मी फोर्सेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उस पर तो बहुत ध्यान देते हैं, उसके ट्रेनिंग पे, उसके अपलिफ्टमेंट पे, उसके रेमुनरेशन पे, उसकी सैलरीज पे, उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा आर्मी को, बट कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि पुलिस को भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी दिक्कत हुई इंटरनल सिक्योरिटी पे तो ये पुलिस वाले ही हैं जो कोरोना वायरस के टाइम पे भी, कोरोना काल में जो आजकल चल रहा है उसमें और अन्य कामों में भी काम आते हैं। इनकी सिक्योरिटी पे, इनकी वर्किंग पे, इनकी ट्रेनिंग पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, इनके डॉक्यूमेंटेशन पे और इनके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। तो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमें इनको अच्छा एम्यूनिशन, अच्छे आर्म्स, स्नाइपर्स, नेविगेशन सिस्टम, अच्छी गाड़ियाँ, सेटेलाइट फोन्स, ये सब प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। उनको लाइफ जैकेट्स नहीं प्रोवाइड करने चाहिए। ये सब क्या इनकी 8 लोगों की जानों से ज़्यादा महंगा है? ये सब चीज़ें क्या हम प्रोवाइड नहीं कर सकते या उनको ट्रेन नहीं कर सकते? इन सब हम ये सब जानते हैं कि पुलिस महकमे में एक बहुत हाई लेवल का करप्शन है जो कहीं ना कहीं रेमुनरेशन की कमी के कारण पनपा हुआ है। हम अगर उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दें, उनके रेमुनरेशन को ठीक करें तो ये बहुत हद तक ठीक हो सकता है, करप्शन बहुत हद तक ठीक हो सकता है। उनको अगर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना भरें हम उनमें तो ये काफ़ी काम करेगी और उनको समाज में अच्छी पोजीशन दिलाएगी, अच्छा रुतबा दिलाएगी और वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने में, उनको पाल पोसने में बहुत ही सहायक है, उनको हेल्पफुल है उनके लिए। इस जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको मिटाना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। हमें उन नेताओं को हटाना पड़ेगा जो इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इन अपराधियों को पालना उसी के बराबर है जैसे अमेरिकन बबूल, जो लकड़ियां तो नहीं देता पर कांटे बहुत बड़े बड़े देता है। आप बताइए, ऐसा कोई नेता हुआ है जिसके साथ उसने फोटो ना खिंचाई हो या ऐसा कोई नेता रहा जिसने उसको महिमा मंडित नहीं किया हो? सभी तो उसको संरक्षण दे रहे थे, चाहे वो मुलायम सरकार हो, चाहे वो मायावती सरकार हो या वो अभी अभी की बीजेपी सरकार। चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, ये लोग अपनी रॉबिनहुड वाली जो छवि बना लेते हैं समय के दौरान, उसको हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रॉबिनहुड की छवि बनती रही ऐसे अपराधी और बनते रहेंगे। हम मैकेनाइज जो डिवाइसेज हैं, जो हमारे एडवांस डिवाइसेज हैं, जो जैसे सेटेलाइट फोन्स हैं, स्नाइपर गन्स हैं और जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं, हम ड्रोन्स वगैरह हैं, या हमारे पास ऐसे ड्रोन्स भी हमारे को पुलिस में महकमे में होने चाहिए जो बिना पायलट के चलते हों और खुद अटैक करके आ जाते हैं। जब हम लोग किसी महत्वपूर्ण अपराधी का एनकाउंटर करने जा रहे हैं या उसको घेरने जा रहे हैं तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो डिपार्टमेंट से बाहर बननी चाहिए, ऐसे गुप्त जगह पर बननी चाहिए, बहुत हाई लेवल के ऑफिसर्स के साथ बननी चाहिए जहाँ पे बाहर कोई भी चीज़ लीक आउट ना हो सके, वहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए। अगर ये कोतवाली में या थाने में बनेगी तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं लीक हो ही जाए। हमारी
एक सेम सी प्रॉब्लम सीए और एनआरसी के दौरान जो दंगे हुए थे उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई थी, इन्फॉर्मेशन की कमी थी, पुलिस के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और दंगाई सारा खेल बिगाड़ गए और सब कुछ तबाह कर गए थे उस समय में। तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा जिससे हम आगे जीत पाएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और फिर आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।